नमस्कार दोस्तों, आज की हेडलाइंस पे एक नज़र। मुंबई का निखिल अपनी बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहे हैं। हु केयर्स चैनल की वीडियो पे अब्यूज़ रिपोर्ट किया गया। आशीष चंचलानी न्यू वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। सैंडर्स कैनेडी ने माना कि शेन डॉसन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। ट्विच ने डोनाल्ड ट्रंप को अनबैन किया। डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट यूट्यूब पे मूव ऑन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ गाइज। मुंबई कर निखिल ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो उनकी सो कॉल्ड फ्रेंड शनायस श्रेष्ठा को डेट कर रहे हैं। इस रिलेटेड मुंबई कर निखिल ने अपने IGTV पे एक वीडियो भी पोस्ट करी है एंड उसमें भुवन बम का ट्रेंडिंग सॉन्ग हीर रांझा का यूज़ किया गया है। लेट्स चेक इट आउट गाइज। जंप टू नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स। जैसे मैंने कल की न्यूज़ में कवर किया था कि शुभम मिश्रा के अरेस्ट के बाद हु केयर्स भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पे शुभम मिश्रा के अरेस्ट पे रिएक्शन दिया था, तो उसी वीडियो पे हु केयर्स भाई को काफ़ी हेट कमेंट्स भी मिले हैं एंड अब्यूज़ रिपोर्ट भी किया गया है। तो इसके बाद हु केयर्स भाई ने क्या कहा, लेट्स सी दैट। हिंदुस्तानी भाऊ और शुभम जैसे लोगों के चैनल एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट आई एम प्रमोटिंग वायलेंस। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख सकते हैं वीडियो पे रिपोर्ट अब्यूज़ किया गया है हेटफुल कंटेंट एंड सेंसिटिव इशू पे। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं गाइस। आशीष चंचलानी ने काफ़ी टाइम से अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करी है। सो वीडियो ना डालने के ऊपर आशीष चंचलानी ने ये कहा कि हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई नो बहुत टाइम हो गया है मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। वेल, मैं सोचा आप लोगों से बात करूं इसके बारे में। मेरे को आपको बहाने नहीं देने, झूठ नहीं बोलना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये लॉकडाउन का माहौल प्लस इंटरनेट का माहौल इतना डिस्टर्बिंग हो गया है कि मेरी ना थोड़ी वायरें हिल गई है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। अनलॉक में प्लान किया था हमने कि हम कुछ शूट करेंगे मेजर्स के साथ, ऑफकोर्स सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, लेकिन इधर थोड़ा मामला सीरियस हो गया है, जस्ट लाइक इन द एंटायर कंट्री कोरोना को लेकर, बाहर जाके शूट करना इज नॉट द ऑप्शन, नो। तो अभी जो भी है, आई थिंक जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक घर पे ही रहना है, ऑफ कोर्स एंड घर पे ही बैठ के कुछ करना पड़ेगा मुझे। अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है गाइस, मैं क्या करूँ घर पे बैठ के। 2 वीडियो बनाए मैंने मोबाइल से घर पे बैठ के। तुम सेठ लोग ही बताओ अब क्या बनाए तुम्हारे हवाले चैनल साथियों। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज फ्रेंड्स। मैंने अपनी इस न्यूज़ में कवर किया था कि सैंडर्स कैनेडी ने शेन डॉसन पे एलिगेशन लगाया था कि उनके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट अब सैंडर्स कैनेडी ने एडमिट किया कि शेन डॉसन के ऊपर कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। इसी से रिलेटेड सैंडर्स कैनेडी ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी पोस्ट करी, उसमें उन्होंने ये कहा कि regarding my report on Shane Dawson, according to an article posted on insider.com today, the Los Angeles County Sheriff's Department just confirmed to Insider that there's no investigation into Dawson. Thank you so much for watching. फ्रेंड्स, इस वीडियो पे सैंडर्स कैनेडी को काफी हेट कमेंट्स मिले हैं। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं गाइस। जैसे मैंने अपनी इस न्यूज़ में कवर किया था कि ट्विच ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था बिकॉज उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन स्ट्रीम में रेसिज्म और हेटफुल कमेंट डाला था, लेकिन अब ट्विच ने डोनाल्ड ट्रंप का बैन हटा दिया है।
इस पे स्ट्रीम बैन ने ट्वीट करके ये कहा कि ट्विच पार्टनर डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन अनबैंड आफ्टर 2 weeks, 4 minutes and 38 seconds. लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज़ गाइस. जैसे आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट को ट्विच ने बैन कर दिया था. ना ही इस पे ट्विच ने कोई रिप्लाई किया है और ना ही डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट का कोई रिएक्शन आया है कि उन्हें ट्विच से किस लिए बैन किया गया था. बट गाइस, डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट ने रिसेंटली अपने ट्विटर हैंडल के बायो में एक मेजर अपडेट डाला है. लेट्स सी इट फ्रेंड्स. जैसे आप लोग देख सकते हैं, जहाँ सर्कल्ड है वहाँ पे youtube.com/disrespect है अभी. बट इससे पहले यहाँ पे twitch/DrDisrespect था. दैट मीन्स कि डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट मूव ऑन करने का प्लान कर रहे हैं यूट्यूब पे. गाइस, आप लोग जानते हैं कि गेमर निंजा ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव गेमिंग स्ट्रीम स्टार्ट कर चुके हैं. अब मे बी डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट भी यूट्यूब पे मूव ऑन करने वाले हैं शायद. बट अभी तक डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो यूट्यूब पे लाइव गेमिंग स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे. बट होल्ड ऑन गाइज, एक लेटेस्ट स्पेकुलेशन ये आ रहा है कि डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट यूट्यूब पे मूव ऑन ना करके शायद स्पॉटिफाई के साथ डील साइन कर सकते हैं. गाइज, इससे रिलेटेड डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट का एक क्लिप भी वायरल हो रहा है. लेट्स सी इट. Did you see Joe Rogan's $100 million deal to move to Spotify? Yes, Etherest with a $5 donation. Funny how you mentioned that. I actually reached out to Jamie Vernon, I think the studio's producer, because he's a Champions Club member, right? He shows up to the arena, gets his front row ticket. Everyone has a front row ticket to the arena, by the way. You know that. Anyways, I DM'd Jamie Vernon. Congratulations to you and the Joe Rogan team. That's a big, big move. Young Jamie, baby. You know, I'm JRE. No, I've always said. फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन स्ट्रीम में डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट के फैंस ने उन्हें ये बताया कि अमेरिकन कॉमेडियन जो रोगन ने स्पॉटिफाई के साथ एक मल्टी मिलियन डॉलर डील साइन करी है. सो इस पे डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट ने कहा कि वो जो रोगन से जल्द ही मिलने वाले हैं. अब फाइनली डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट कहाँ मूव ऑन करेंगे, यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे? आई लेट यू नो गाइज. चलिए गाइज, अब आज के अचीवर्स से मिल लेते हैं. टोटल गेमिंग के 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं. ब्रेन वॉश को उनका सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है. नेक्स्ट अचीवर 4K गेमिंग नेपाल को भी उनका सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है. एंड टुडेज फाइनल अचीवर स्पर्श हैक्स ने भी अपना सिल्वर प्ले बटन अचीव कर लिया है. माय हार्टी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम. सो गाइस, ऐसी डेली अपडेटेड यूट्यूब न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.